हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा पैसेंजर कार यूनिट। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने सब्जेक्ट पर और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनकी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, आइए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसेंजर कार यूनिट, तो पैसेंजर का यूनिट कहें या हम PCU कहें, बात एक ही है। तो होता क्या है, पहले समझिए, फिर आपको डेफिनेशन की बात करेंगे हम पर कि डेफिनेशन क्या कह रखा है। तो मान लीजिए ये कोई मेरी रोड थी, इस रोड से मैंने बोला यार एक घंटे में 50 व्हीकल पास हो गए। एक घंटे में कितने? 50 व्हीकल पास हो गए। अब 50 व्हीकल वो कौन से हैं? हो सकता है मोटरसाइकिल हो सकता है कार हो सकता है बस हो सकता है साइकिल हो सकता है कुछ और हो। तो होता क्या है कि जब हम 50 व्हीकल बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस डिफरेंशिएशन से बचने के लिए एक फिक्स यूनिट कर दी कि यार जब भी कोई व्हीकल जाएगा हम उसे पैसेंजर कार यूनिट में बताएंगे, और हर पैसेंजर कार यूनिट की अलग 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 डिफरेंशिएट कर दिए। जैसे कि अगर उसने बोला मोटरसाइकिल है, मैंने बोला यार मोटरसाइकिल जा रही है, तो मोटरसाइकिल को बोल दिया यार मोटरसाइकिल जो है वो बराबर है कितने 0.5 PCU, यानी 0.5 पैसेंजर कार यूनिट बराबर हुई एक मोटरसाइकिल। मैंने बोला यार एक बस जा रही है, तो बस को बोल दिया कि यार बस जो है वो 3 पैसेंजर कार यूनिट के बराबर हो गई। ठीक है, मैंने बोल दिया यार एक कार जा रही है बुलक कार्ट, तो मैंने कह दिया यार वो पैसेंजर कार यूनिट 1.5 टाइम हो गई PCU के, पैसेंजर कार यूनिट के। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए गए कि यार एक मोटरसाइकिल जाएगी तो आपको 0.5 PCU बोलना है, अगर आपको एक बस जा रही है 3 PCU बोलना है, एक कार जा रही है 1.5 PCU बोलना है। इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर दिया गया। अब बात आई है, ये तो कर दिया, अब PCU की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी? तो जो हमारा पैसेंजर कार यूनिट है उसकी वैल्यू हमारी डिपेंड करती है किस पर? एक तो उसकी वेलोसिटी पर, जो हमारा व्हीकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस पर, और एक दूसरी करती है उसकी लेंथ पर कि उसकी लेंथ कितनी है, मतलब कितनी बड़ी गाड़ी और क्या उसकी वेलोसिटी है। इन दो चीज़ों पर हमारी PCU जो है डिपेंड करेगी। बाकी हर क्लास को चेंज कर दिया गया किसमें? पैसेंजर कार यूनिट में, और उसकी भी एक वैल्यू फिक्स कर दी। एक मोटरसाइकिल की 0.5 हो गई, एक बस की 3 PCU हो गई, एक कार्ट की 1.5 PCU हो गई, और हमने माना एक ट्रक आ गया, एक ट्रक के बोल दिया कि यार एक ट्रक की होगी 2.5 PCU हो गई पैसेंजर का यूनिट। तो इस तरीके से सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को, जैसे मोटरसाइकिल एक क्लासेस हो गई, कार एक क्लासेस, बस एक क्लासेस, कार्ट एक बस क्लासेस, ट्रक एक क्लासेस हो गए, तो इनको सबको डिफरेंट PCU में डिवाइड कर दिया। अब जैसे मतलब 50 व्हीकल है, मैंने बोला 50 में से यार मान लो 50 में से 20 तो ट्रक थे, 20 ट्रक हो गए, 20 मोटरसाइकिल हो गई MC यानी मोटरसाइकिल, और 10 बस हो गई। तो अब इनको मैं क्या करूँगा, PCU में चेंज, 50 व्हीकल नहीं बताऊँगा, 50 व्हीकल को PCU में चेंज करके बताऊँगा इतनी PCU, जैसे 20 ट्रक हो गए तो 20 × 2.5 प्लस 20 मोटरसाइकिल 20 × 0.5 प्लस 10 बस है तो 10 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 25 × 50 = 60, 60 × 3 = 80। तो 80 PCU, तो मैंने कहा एक घंटे में 50 व्हीकल पास ना हुए मेरी रोड से, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एक घंटे में 50 व्हीकल पास ना हुए, एक घंटे में 80 पैसेंजर कार यूनिट ट्रेवल हुई हैं, और यह मेरी PCU जो है किस पर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी और लेंथ पर डिपेंड करेगी। ठीक, अब बात करते हैं डेफिनेशन, ये तो समझ लिया हमने सरल भाषा में क्या होता है, डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसीडर दी पैसेंजर कार एज दी स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट दी अदर व्हीकल क्लासेस, एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड पैसेंजर कार यूनिट और PCU। तो यह क्या हुआ, एक कॉमन प्रैक्टिस रखा गया कि पैसेंजर कार को एक कॉमन प्रैक्टिस रखा गया, उसको एक स्टैंडर्ड व्हीकल माना गया, और बाकी जितने भी डिफरेंट क्लासेस की व्हीकल हैं जैसे मोटरसाइकिल ट्रक बस, उनको क्या किया, उनको चेंज कर दिया गया इस किस में, पैसेंजर कार यूनिट में। ठीक, और जो हमारी पैसेंजर कार को जो हमने स्टैंडर्ड व्हीकल माना है और इसको यूनिट में चेंज किया है, यही यूनिट कहलाती है अपनी क्या, पैसेंजर कार यूनिट और PCU।
ठीक है दोस्तों, ये कहता है ये था पैसेंजर कार यूनिट और PCU। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।